हिंदू धर्म को मानने वाले लोग अक्सर कहते हैं राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंत समय पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। राम के नाम पर मची इस लूट को राम मंदिर को बना रहे राम मंदिर ट्रस्ट ने एकदम 100% अपना लिया है और राम के नाम पर ऐसी लूट मचाई है कि एक से एक शातिर घोटालेबाज भी हैरान रह गए। जय भीम साथियों, मैं हूं सुमित चौहान और आप देख रहे हैं द न्यूज़ बीक। आज की स्टोरी में हम बात करेंगे राम मंदिर के नाम पर हुए महाघोटाले की। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण करने वाले राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट पर करोड़ों के घोटाले का गंभीर आरोप लगा है। मीडिया में आई खबरों से पता चलता है कि इस ट्रस्ट ने एक दो नहीं बल्कि पूरे के पूरे 16.5 करोड़ रुपये का घोटाला कर डाला और वो भी महज 5 मिनट में। समाजवादी पार्टी के नेता और पूर्व विधायक तेज नारायण पांडे उर्फ पवन पांडे ने आरोप लगाया है कि राम मंदिर ट्रस्ट ने मंदिर बनाने के लिए जमीन को 18.5 करोड़ रुपए में खरीदा था, लेकिन यही जमीन सिर्फ 5 मिनट पहले महज 2 करोड़ रुपए में बेची गई थी। यानी महज 5 मिनट में 2 करोड़ की जमीन 18.5 करोड़ की हो गई और राम मंदिर ट्रस्ट ने तुरंत पैसे ऑनलाइन ट्रांसफर भी कर दिए। पवन पांडे का कहना था कि 18 मार्च 2021 को करीब 5 मिनट पहले बैनामा भी हुआ और फिर एग्रीमेंट भी। इस जमीन को 2 करोड़ रुपए में खरीदा गया और इसी जमीन का 5 मिनट बाद 18.5 करोड़ रुपए में एग्रीमेंट क्यों हुआ? एग्रीमेंट और बैनामा दोनों में ही ट्रस्टी अनिल मिश्र और मेयर ऋषि उपाध्याय गवाह हैं। राम जन्मभूमि की जमीन से लगी एक जमीन पुजारी हरीश पाठक और उनकी पत्नी ने 18 मार्च की शाम सुल्तान अंसारी और रवि मोहन को 2 करोड़ रुपए में बेची थी। वही जमीन कुछ मिनट बाद चंपत राय ने राम जन्मभूमि ट्रस्ट की तरफ से 18.5 करोड़ रुपए में खरीद ली। मैं भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहा हूं। ऐसी कौन सी वजह थी कि उस जमीन ने 5 मिनट के अंदर सोना उगलना शुरू कर दिया? ये तो ऐसा सवाल है जिसका जवाब जानने के लिए राम भक्त भी बेकरार होंगे। यूपी में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं और ऐसे में राम के नाम पर सत्ता में पहुंचने वाली बीजेपी के राज में राम के नाम पर मची लूट के आरोपों पर बाकी सियासी दलों ने भी बीजेपी को आड़े हाथों लिया है। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने भी लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके राम मंदिर के नाम पर खरीदी जा रही जमीन के मामले में भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं कि जिस ट्रस्ट पर भरोसा करके उन्होंने करोड़ों रुपए का चंदा दिया, प्रभु श्री राम के नाम पर वो ट्रस्ट के जिम्मेदार लोग, उसके पदाधिकारी करोड़ों रुपए की हेराफेरी कर रहे हैं, करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार कर रहे हैं। जो जमीन 2 करोड़ रुपए में खरीदी गई, वो जमीन 18.5 करोड़ में 5 मिनट के बाद ही कैसे खरीद ली गई? मुझे साफ तौर पे कहना है, ये मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है, ये भारी भ्रष्टाचार का मामला है। मैं मांग करता हूं देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से, मैं मांग करता हूं इस देश की सरकार से, तत्काल ईडी और सीबीआई के जरिए इस मामले की गहन जांच करा के जो इसमें भ्रष्टाचारी लोग हैं उनको पकड़कर जेल में डालिए, क्योंकि ये इस मुल्क के करोड़ों राम भक्तों की आस्था का प्रश्न है, करोड़ों उन लोगों का प्रश्न है जिन्होंने अपनी गाढ़ी कमाई का पैसा राम मंदिर के निर्माण के लिए दिया और उसमें यह भ्रष्टाचार और घोटाला किया गया। और एक अजीब बात है, एग्रीमेंट का टाइम और बैनामे का टाइम, एग्रीमेंट के स्टाम्प का टाइम और बैनामे के स्टाम्प का टाइम, जो जमीन बाद में एग्रीमेंट हुई यानी बाद में बेची गई, ट्रस्ट को जो बेची गई उसका स्टाम्प खरीदा गया 5:11 को शाम को, और जो जमीन पहले रवि मोहन तिवारी ने खरीदा उसका स्टाम्प खरीदा गया 5:22 पे। ये आप समझ पा रहे हैं, रवि मोहन तिवारी ने जो जमीन हरीश पाठक से खरीदी उसका स्टाम्प तो 5:22 पे खरीदा गया। वहीं राम जन्मभूमि ट्रस्ट के सचिव चंपत राय ने इन आरोपों को बेबुनियाद और राजनीति से प्रेरित बताया है।
एक प्रेस नोट में चंपत राय ने कहा कि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने जितनी जमीन खरीदी है वो खुले बाजार की कीमत से बहुत कम मूल्य पर खरीदी है। मतलब ये भाई साहब राम भक्तों को एकदम ही बोरम समझ रहे हैं। 2 करोड़ की जमीन को 16.5 करोड़ रुपए से ज्यादा देकर कुल 18.5 करोड़ में खरीदना कम कीमत होती है क्या? बताओ भला, अपने प्रभु को भी नहीं छोड़ा इन राम भक्तों ने, इन लोगों ने अपने प्रभु के घर में ही करोड़ों का डाका डाल दिया। और अभी तो ये सिर्फ एक कथित घोटाले की खबर सामने आई है, ऐसे ना जाने और कितने घोटाले हो रहे होंगे। राम मंदिर के लिए महज 44 दिन में 2100 करोड़ रुपए इकट्ठा हो गए थे, यानी मंदिर के नाम पर पैसों की बारिश हुई थी। कई जगह से जबरन पैसे वसूलने की खबरें भी सामने आई थी, यानी मंदिर ट्रस्ट के पास अरबों रुपए हैं। ऐसे में अगर इस घोटाले से अनुमान लगाएं तो करोड़ों अरबों रुपए राम के चरणों में नहीं बल्कि किसी के बैंक खाते में या फिर तिजोरी में जा रहे हैं। राम के नाम पर वोट मांगने वाले और जय श्री राम का नारा नहीं लगाने पर मॉब लिंचिंग कर देने वाले धर्म के ठेकेदार कैसे अपने राम को ही ठग रहे हैं, ये घोटाला इस बात का सबसे बड़ा सबूत है। आपका इस बारे में क्या कहना है कमेंट में ज़रूर बताएं। मैं हूं सुमित चौहान और इस वीडियो को बनाने में मेरी मदद कर रही हैं मेरी सहयोगी अज़रा परवीन। आप साथ ही हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ ही आप हमें सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म्स पर भी फॉलो कर सकते हैं। मेरा नाम सुमित चौहान है, इस वीडियो को देखते रहें और ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर शेयर करें।